हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूके दर्शन में। और आज मैं आपको लेकर आया हूं हेमकुंड साहिब यात्रा के पहले पड़ाव ऋषिकेश हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पर। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेन रोड जो हरिद्वार ऋषिकेश रोड है, और कैलाश गेट के पास में ही, मतलब बाज़ार के बीचों बीच आप कह सकते हैं, ये गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है। और दोस्तों, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको उत्तराखंड की ऐसी ही खूबसूरत जगह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, ये देखिए, यह है गुरुद्वारा और ये दरबार साहिब में जाने का रास्ता है यहाँ से, और ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है। और ऊपर जो है गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार है, और काफ़ी बड़ा ये गुरुद्वारा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ ये एडमिन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि यात्रियों का रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाता है। और हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने से पहले सभी जो यात्री हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या गुरुद्वारे में है। दोस्तों, ये गुरुद्वारा कितना खूबसूरत है ये तो आपको दिखाऊंगा ही, साथ ही आपको दिखाऊंगा यात्रा के समय यहाँ पर 24 घंटे जो लंगर चलता है उसके लिए रोटियाँ और खाना कैसे बनता है और कहाँ से बनता है, इस गुरुद्वारे में लगभग कितने लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, और यहाँ का जो खूबसूरत तालाब या कुंड है उसकी अनुपम छटा और उसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियाँ, उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँगा। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ जो किचन है लंगर का, जिसमें कि 24 घंटे खाना बनता रहता है, वहीं पे आपको ले जा रहा हूँ। ये बाहर का दृश्य है जहाँ पे कि लकड़ियों से खाना बनता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि वैसे तो अभी सारा नया जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल हो गया है, और स्टीम का भी यहाँ पे वो होता है, स्टीम से भी चाय वगैरह दाल वगैरह गर्म की जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये रोटियाँ कैसे बन रही हैं, मशीन में से निकल रही हैं, और दो लोग यहाँ पर इनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। और ये पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए कैसे कैसे रोटियाँ बनती हैं। ये ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन है, और इनको मैंने पूछा था यहाँ पर, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इस मशीन से लगभग जो है एक घंटे में 1000 से 1500 रोटियाँ बन जाती हैं। और कंटिन्यू देख रहे होंगे आप कि आगे से रोटी बनती हुई आ रही हैं। और यहाँ पर जो लंगर चलता है 24 घंटे, उसमें डेली हजारों की संख्या में जो यात्री हैं या लोग हैं वो खाना खाते हैं। कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो यात्री हैं वही लंगर खाएंगे। और गुरुद्वारों की सबसे खास बात यही होती है दोस्तों, कि यहाँ पर आप जो भी आना चाहे वो प्रसाद के रूप में जो है यहाँ पर खाना ग्रहण कर सकता है। और अभी मैं आपको ले चलूँगा अंदर, दिखाऊँगा मशीन में रोटी बनती कैसे है और किस प्रकार से ये पूरा जो प्रोसेस है वो होता है। ये देखिए, गूंदा हुआ आटा जो कि यहाँ से काट काट कर इसमें मशीन में डाला जाता है, इस तरफ को, यहाँ जहाँ पे इन्होंने हाथ रखा है, यहाँ से थोड़ा प्रेस भी करना पड़ता है इसको आगे की तरफ। और यहाँ से फिर आगे की तरफ देखिए ये किस तरह से लोई बनती जा रही है, ये कटिंग होती जा रही है, और ये लोई नीचे से पिसते हुए, और ये बेलन यहाँ पे एक प्रकार से लगे हुए हैं जो कि रोटी को पतला कर देते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ती है, और यहाँ पे पलटी होने के बाद दोबारा एक बार इसे बेला जाता है, और फिर ये कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए जो है मशीन के अंदर जाती है, जहाँ पर ये हीट द्वारा गर्म होती है और उसके बाद पक जाती है। तो इस मशीन के अंदर जो है लगभग 3-4 राउंड होते हैं जिगजैग में, और इस तरीके से पूरी हीट चारों तरफ से जब रोटी को मिल जाती है तो पूरी तरीके से पक जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये आटे का स्टोर है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप कितना आटा जो है भरा हुआ है, जो कि अभी गूंदा जाना है, और बोरियाँ की बोरियाँ यहाँ पर रखी गई हैं स्टोर में। और ये है वो मशीन जिसमें आटा गूंदा जाता है, इसमें एक बार में लगभग 10 से 20 किलो आटा गूंद सकते हैं। और इस तरफ आप देखिए, ये दूसरी मशीन है, दो मशीनें, तीन मशीनें यहाँ पर हैं टोटल। ये देखिए, एक ये भी है,
तो जब ज़्यादा भीड़ होती है तो कंटिन्यू जो है आटा गूंदा जाता है, क्योंकि थोड़ा इसमें समय भी लगता है, 10 से 15 मिनट, और पानी अपना आप डालना पड़ता है। और इस तरफ ये देखिए, ये है किचन जहाँ पर कि दाल और सब्जी बनाई जा रही है, और ये तो गैस वाली भट्टी है। और यहाँ देखिए दोस्तों, किस तरह से कितनी बड़ी ये कढ़ाई है, ग्रेवी तैयार हो रही है। और यहाँ से खाना बनने के बाद लंगर में जाता है नीचे, और लंगर जो कि दिन रात चलता रहता है यात्रा के टाइम पे, और टाइम पर तो शायद रात को बंद हो जाता है, लेकिन यात्रा में बराबर चलता रहता है, क्योंकि कभी भी यात्री आ जाते हैं। हेमकुंड साहिब जो यात्री जाते हैं या वहाँ से जो वापस आते हैं, अगर उन्हें लेट हो जाती है तो फिर किसी भी समय वो आ सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है आलू को छीलने की मशीन। इसमें आलू डाले गए हैं, देख रहे होंगे आप, ऊपर से पानी डालना पड़ता है, और ये अंदर घूमते हुए थोड़ा रब तरीके का इसके अंदर का जो बनावट होती है वो होती है, और उसमें से आलू फिर छिल के बाहर आता है। एक बार में लगभग 15 से 20 किलो आलू इसमें छिल सकते हैं। और इस तरफ ये रहा स्टोर, जहाँ पे कि बर्तन वगैरह स्टोर किए जाते हैं, गैस वगैरह या जो भी सब्जी मार्केट से आती है। और इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ जो स्टीम का प्रोसेस मैं आपको बता रहा था किस तरीके से है, यहाँ भाप द्वारा इन दो जो बर्तन आपको सामने दिखाई, इनमें चाय उबल रही है। और इस तरफ को यहाँ सामने की तरफ, वहाँ पर जो है दो बर्तनों में दाल पकाई जा रही है, और ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे भाप से होता है। आगे की तरफ जो है भाप बनाई जाती है, और उस भाप से ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये दाल और ये चाय, और ये कंटिन्यू यहाँ पर बनती रहती है। ये देखिए सामने जो मैंने आपको कंप्रेसर बताया, वो भाप से यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। और अब हम आ गए हैं थोड़ा बाहर की तरफ, और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा ये एरिया है गुरुद्वारे का। और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है, ये जो है जो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो चमोली में है, वो यहाँ से लगभग 256 किलोमीटर की दूरी पे है। और इसीलिए इसको पहला पड़ाव मैंने कहा, क्योंकि जो भी यात्री सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, वो जब यहाँ पर हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आते हैं तो उनका पहला पड़ाव यही होता है, और यहीं पर जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और यहीं से वो अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं हेमकुंड के लिए। तो ये गुरुद्वारा कितना खूबसूरत है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर जो गुरुद्वारा है, इसके परिसर में अभी मैं हूँ, और ये देखिए दोस्तों सामने की तरफ कितना बड़ा ये एरिया है। इसके ठीक नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, और ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे लंगर का हॉल है। तो आइए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ नीचे जहाँ के लंगर है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर से बताया था, ये जो पूरा एरिया है इसके नीचे ये लंगर चलता है, पूरा बड़ा सा हॉल है जहाँ पर, ये सामने आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, यहाँ पे जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर किताबें मिल जाएंगी गुरु ग्रंथ साहिब की, और जो भी सिख धर्म की वाणियाँ हैं वो यहाँ पर किताबों के रूप में संरक्षित हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर पूरा जो एरिया है, यहाँ पे हाथ धुलने के लिए है, इधर ये जूते रखने के लिए हैं, यहाँ पे आप जब भी आएंगे तो सबसे पहले जूते इधर रखेंगे, फिर हाथ धुलेंगे, और यहाँ से अपनी थाली लेकर जो है अंदर लंगर में जाएंगे। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है दोस्तों गुरुद्वारे की, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो यहाँ पे जितने भी कोई भी लोग हो, किसी भी धर्म जाति या समुदाय से हो, कोई भेदभाव नहीं है, जो भी आ सकता है वो यहाँ पे लंगर में खाना खा सकता है और भरपेट भोजन खा सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग सेवा करते हैं, स्वयं सेवक जो भी होते हैं, वो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, इसका कोई भेदभाव नहीं है, हर कोई यहाँ पर सेवा दे सकता है, और
करते ही हैं लोग, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं लोग खुद ही थालियां अंदर ले जा रहे हैं, खुद ही अपनी थालियां साफ कर रहे हैं। और जो लोग नहीं करते तो यहाँ पे जो सेवादार होते हैं वो बराबर इस चीज़ को जो है इस काम को अंजाम देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये रहा गार्डन एरिया पूरा, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और इस तरफ से अब हम जाएंगे नीचे की तरफ, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो कुंड यहाँ पर है, एक तालाब, उसमें जो रंग बिरंगी मछलियाँ हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत तस्वीर, इस तस्वीर को देखकर दोस्तों एक चीज़ याद आ रही है मुझे कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम का हूं। और गुरु गोविंद सिंह जी के ये वचन थे, और इसी प्रकार से उन्होंने जो पंच प्यारे उनके थे उसकी स्थापना की थी, और अभी तक यह प्रथा जो है सिख धर्म में चलती है। उनके जो भी शिक्षक होते हैं, जब वो अपनी दीक्षा ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर जो है उनको यह सब सिखाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं अब लेकर आया हूँ आपको, जो मैं बता रहा था कितना खूबसूरत ये कुंड है यहाँ पर। और इस तालाब में देखिए दोस्तों, अभी आपको दिख रही होंगी दूर से ही ये रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। पहले जब, अगर काफ़ी पहले की बात करूं तो यहाँ पर जो नदी में मछलियाँ होती थी उसी तरह की मछलियाँ होती थी, और बहुत ज़्यादा संख्या में होती थी। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी यहाँ पे जो है साथ में ये रंग बिरंगी मछलियाँ भी यहाँ पर तालाब में डाली गई हैं, और काफ़ी बड़ा ये तालाब है। और दोस्तों, इस गुरुद्वारे की अगर आपको ख़ास बात बताऊँ तो यहाँ पर जो रुकने वाले लोग हैं वो एक दिन में हज़ारों की संख्या में रुक सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये एरिया है और काफ़ी सारे इसमें कमरे हैं। और इस गुरुद्वारे में अनाथों के लिए एक स्कूल भी है जो इसे और भी महत्वपूर्ण स्थान बना देता है। और यहाँ अंदर प्रवेश करते ही, जैसे हम गेट से अंदर आए थे तो ग्रंथि की ध्वनि सुनाई देती है जो यहाँ के वातावरण और आने वाले यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। और यहाँ आने वालों के लिए एक विशेष कार्य ये भी है कि वो सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार हॉल में जाएं और उन्हें सम्मान देकर ही जो है यहाँ से वापस लौटें। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। और यहाँ पे आने के लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले, वैसे आप यहाँ पे आके भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यात्रा के दिनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले ही यहाँ पर जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सारा पार्किंग एरिया है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा जो है कमरे बने हुए हैं, पूरी धर्मशाला बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।